भाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम नृपामिति स्वाहा। भगवान का दर्शन पूजा पाठ से हमारा हजारा हजारों कर्म निर्जर होएगा। हम रोज कर्म करते हैं, हमको पाप लगता है, ये पाप निवारण होएगा। हम मंदिर आने तो टाइम में हम हमारा घर से हमारा परिवार को सब लेके आना चाहिए, छोटा छोटा बच्चे का भी लेके आना चाहिए, दर्शन भी बच्चे का भी होएगा। ये बच्चे एक दिन हमको सिद्धक्षेत्र अतिशयक दर्शन करेगा। ये छोटा छोटा बच्चे का पाठशाला भेजना चाहिए, हम इंग्लिश विद्याभ्यास करके पाश्चात्य देशों को भेजे तो हमको वित्त आएगा, बिना वात्सल्य नहीं मिलेगा। हमको वात्सल्य चाहिए, हमारा देश समृद्धि भरित देश है, हमारा देश में कुछ कम नहीं है, हमारा धर्म रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। देवगुरु शास्त्र में हमको शंक नहीं करना, श्रद्धा करना, सेवा करना हमारा कर्तव्य। ये माते सामान्य नहीं, ये तीर्थंकर का जन्मदाते भी ये माते है, इसलिए मातृ देवो भवा बोलते हैं। ये माते का आशीर्वाद से एक व्यक्ति ये राष्ट्र संत भी बन सकते हैं, वो देश का ये अधिकार भी बन सकते हैं। माता का आशीर्वाद चाहिए, देवगुरु शास्त्र का देव गुरु का आशीर्वाद चाहिए। आचार्य श्री की चल रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे कि आचार्य श्री के संग में इतने बुजुर्ग साधु भी हैं और वह कचनेर से
दिल्ली तक की यह संस्कार यात्रा प्रारंभ है। इस संस्कार यात्रा को पुण्यशाली प्राप्त जो श्रावक श्रेष्ठि बनकर करा रहे हैं, ऐसे वह पावन चरण भी इस कटंगी की भूमि में पधारे हैं। हम उनको अपने बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आवाज दे रहे हैं औरंगाबाद से, जो संघपति बनकर के पूज्य आचार्य भगवंत का बिहार बड़ी कुशलता पूर्वक करा रहे हैं। ऐसे भाई जितेंद्र जी औरंगाबाद से हमारे बीच में जोरदार कर्तव्य ध्वनि का स्वागत करते हुए उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आए हमारे चाचा श्रेष्ठि सभी श्रेष्ठी जन, चाचा श्रीहांश चाचा जी, जय कक्का जी एवं समस्त राजकुमार सिंघई जी, मुन्ना चाचा जी, आप सभी हमारे कोमल दादा जी, विजय पापा जी, राजू बजाज जी, संदीप बजाज जी, सभी श्रेष्ठी जन आए और इनके माथे पर तिलक वंदन करते हुए इनको अंगवस्त्र पहनाकर एक ही भावना करें, इनके मंगल भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। और जो भी साथी इनके साथ आए हुए हैं आप भी आए, यदि पुत्र हो इनके, इनके परिवार से हो, आप सभी का स्वागत इस कटंगी ये पावन भूमि पताका को सर्वत्र ऊंचा किए हुए हैं। आप पधारें। देखिए एक ही एक और सौभाग्य आचार्य भगवंत के संगस्त आरिका सौभाग्यमती जी हैं, जो अपने पास की धर्मस्थली मझोली की पावन भूमि पर जिनका जन्म हुआ, जिनकी देह का जन्म हुआ और इस देह को पवित्र और पावन किया पूज्य सौभाग्य सागर जी महाराज ने, उनके गृहस्थ जीवन के परिवारजन भी हमारे बीच में मझोली से हैं। श्रीपाल जी उनके भाई संग वो भी चल रहे हैं, महाराज श्री का कुशलता पूर्वक विहार संपन्न करा रहे हैं। श्री श्रीपाल जी को भी आमंत्रित करते हैं, हमारी महिला मंडल से भी महिला सदस्यता आए, ऐसे अतिथियों का स्वागत वंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। आए महानुभाव, जीवन में सुख आता है, इंसान खुश होता है, जीवन में दुख आता है, इंसान भयभीत होता है। सुख आते समय इंसान के हाव भाव अलग होते हैं और दुख आते समय इंसान के हाव भाव अलग हो जाया करते हैं। लेकिन जब भी कभी तत्वों की चिंतन की गहराई में जाओगे तो आप पाओगे कि सुख हो चाहे दुख हो, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आप भोजन करते हो, भोजन में जब मिठाई आती है तो मिठाई जब आती है तो आपको मीठे का स्वाद कैसे ज्ञात होता है? आपके भोजन में जब मिठाई आती है तो मीठे का स्वाद कैसे ज्ञात होता है आपको? क्योंकि उसके पहले आपने नमकीन खा चुका होता है तो आपको मालूम चलता है कि मीठे का मतलब क्या होता है। यदि आप सीधा मीठा खाना चालू कर दो तो मिठास मिठास आएगी लेकिन मिठास का आनंद नहीं आएगा। क्योंकि सुख भी जब आता है तो सुख का अनुभव आपको क्यों होता है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं दुख को सहन किया है। और जब दुख आता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुख को प्राप्त किया है। लेकिन जो वर्तमान में जिस वस्तु में आपने सुख को खोजने का प्रयास कर रहे हो वह मात्र सुखाभास है, पूर्ण सुख नहीं है। क्योंकि पूर्ण सुख होता तो ना मैं यहां पर होता, ना आप यहां पर होते, बल्कि सभी लोग अनंत अनंत सिद्धालयों के पास में जाकर सिद्ध परमेष्टियों के समूह में सिद्धालय में विराजमान होते। पूर्ण सुख तो वहां पर है। अंतर इतना है कि जिस वस्तु में आपने सुख को खोज रखा है हम संतों ने उस वस्तु को छोड़ रखा है, जिस वस्तु में आपने आनंद मान रखा है हमने उस वस्तु को छोड़ रखा है। अंतर इतना ही हुआ करता है। आप भजन में सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, सुख दुख दोनों रहते हैं वह जीवन है एक ग्राम, कभी धूप तो कभी छांव। कहते कि जहां सुख और दुख दोनों एक साथ रहते हैं उसका ही नाम ग्राम है, कभी धूप है तो कभी छांव है। इस समय यदि 9 बजे धूप निकलती है तो इंसान को परेशानी होती है, लेकिन नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में धूप नहीं निकलती तो इंसान को परेशानी होती है। क्योंकि इंसान का स्वभाव ही परेशान होना है,
इंसान का स्वभाव ही परेशान होना है और इंसान परेशानी में ही जी रहा है, परेशानी में ही उठ रहा है, परेशानी में भी चल रहा है। जिस व्यक्ति को नित्य प्रति जिनालय में जाकर अभिषेक करना है वह 5 बजे सुबह का इंतजार कर रहा है कि कब 5 बजे और मेरे हाथ में कलश आए, और जिस व्यक्ति को 8 बजे उठना है वह सोचता आज इतनी जल्दी 7 क्यों बज गई। हर व्यक्ति हर वस्तु में अपना अपना कार्य कर रहा है। एक बार एक संत कहीं से गुजर रहे थे, तो जब संत कहीं पर जाते हैं तो श्रावक उनका तरह तरह से स्वागत करते हैं। तो एक जगह पे जा रहे थे तो बहुत सारे लोग लेने आए, बाजा बग्गी बग्गी बहुत बड़ा समुदाय उनको लेने आया। महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया मुस्कुराते हुए। उसके बाद अगले ग्राम में गए, वहां पे 10-5 लोग लेकर आए, महाराज ने उनको भी आशीर्वाद दिया। अगले ग्राम में गए तो वहां 2-3 लोग लेने आए, महाराज ने उनको भी मुस्कुरा कर आशीर्वाद दिया। तो जो उनके साथ समुदाय था, शिष्य मंडली थी, उन्होंने पूछा महाराज जब बहुत सारे लोग बांड बाजा लेकर आए तो भी आपने आशीर्वाद दिया, कम लोग लेकर आए तो भी आशीर्वाद दिया, कुछ लोग लेकर नहीं आए तो भी आशीर्वाद दिया। तो महाराज ने कहा कि भैया मैं बैंड बाजों वालों को आशीर्वाद नहीं दे रहा था, मैं तो इंसानों को आशीर्वाद दे रहा था। तो इंसान चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 50,000 हो, मेरा आशीर्वाद तो सभी के लिए हुआ करता है, बैंड बाजों के लिए नहीं हुआ करता। भाई यदि मान लो बैंड बाजे को देखकर आशीर्वाद दे रहे हैं तो क्या होगा, कि इसका मतलब बैंड बाजे वालों को आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? महाराज तो जो व्यक्ति नमन करता है, श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक नमन करता है, उसके लिए उनका हाथ बरबस ही उठ जाया करता है। यह संतों की महिमा होती है। जीवन में संतों का आगमन होना इस क्षेत्र में सहज है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बुंदेलखंड का कोई व्यक्ति नियम कर ले कि मैं नित्य प्रति महाराज जी को आहार देकर ही भोजन करूंगा, तो भी उसका यह संकल्प पूरा हो सकता है कि आपके नगर के आसपास 40-50 किलोमीटर में कोई ना कोई संत जरूर होते हैं ही। यह संकल्प भी कर ले व्यक्ति कि मैं महाराज को आहार नहीं दूंगा, जब तक पानी नहीं पीऊंगा, तो भी उसका संकल्प पूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप लोग ऐसे नगरों के बीच में हो। कल मैंने पटन वालों को बताया था, आज कटंगी वाले बताता हूं कि आप लोग कटंगी के लोग एक तरफ जाते हो तो जौलपुर मड़िया जी पहुंच जाते हो, एक तरफ जाते हो तो कौनी पहुंच जाते हो, एक तरफ जाते हो तो बोरीबंद पहुंच जाते हो, और एक तरफ जाते हो तो कुंडलपुर बेला जी पहुंच जाते हो। अर्थात 4-4, 5-5 अतिशय क्षेत्रों के बीच में आपकी कटंगी सुरक्षित है। और जो लोग जब यहां बस से निकलते हैं तो क्या खाते हैं? अभी मुझे रस्ते में लोग बता रहे थे, बोले महाराज जी यहाँ के रसगुल्ले फेमस है। हमने कहा अच्छा। और एक तो बताया कि बोले इतना बड़ा बनता है, कितने लोग बता रहा था रस्ते में? 3 किलो का। हम बोले अच्छा। तो आप बोल के चलिए कि निश्चित रूप से जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो आपके जीवन में भी मिठास हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो मिठाई की दुकान में रहने वाला मीठा ही बोलता हो। संतों के साथ में रहने वाला व्यक्ति संतों के जैसा जीवन जिए, ये भी कोई जरूरी आज के समय में नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में हम लोग सुख की तलाश में भागे जा रहे हैं। जिस तरह से घड़ी का काटा भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, कब तक भागता है घड़ी का काटा? कब तक भागता है? जब तक उसकी बैटरी सेल उसके अंदर है। जिस दिन सेल डाउन हो जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगी, तो क्या होगा? घड़ी का काटना बंद कर देगा, भागना बंद कर देगा, और अपने आप पर घड़ी रुक जाएगी। उसी प्रकार से जब तक तुम्हारे जीवन में, जब तक तुम्हारे शरीर में सांसों का आगमन चल रहा है, जब तक तुम भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, और जैसे जैसे सांस कमजोर हो जाएगी, जैसे जैसे सांस कमजोर हो जाएगी, तो लोग तुमको लेकर भागना प्रारंभ करेंगे। तुम नहीं भाग पाओगे, घर वाले लेकर कहां भागेंगे? कोई जौलपुर भागेगा, जौलपुर वाला नागपुर भेज देगा, नागपुर वाला दिल्ली भेज देगा, दिल्ली वाला बंबई भेज देगा। पहले तुम घर वालों के लिए भाग रहे हो और उसके बाद घर वाले तुमको लेकर भाग रहे हैं। और जब दोनों से काम नहीं बनता, तुम भाग नहीं पाते, घर वाले भगा नहीं पाते, तो तुम्हें संसार से ही विदा कर दिया जाता है कि संसार वाले भगा देते हैं कि चलो भाई चलने दो। जीवन यही तो है। इस भागा दौड़ी में, आपाधापी में इंसान लगा हुआ है, और भागा दौड़ी आपाधापी में इंसान लगा हुआ है, और इतना लगा हुआ है इंसान कि उसको मालूम ही नहीं चल रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इंसान सारे जीवन में पहले तो भागा दौड़ी करता है, पहले जीवन में भागा दौड़ी करता है,
उसके बाद में माथा फोड़ी करता है, पहले भागता है दौड़ता है उसके बाद में माथा पीटता, बोले क्या चल रहा है। पहले इंसान पूरे जीवन में भागा दौड़ी करने का प्रयास करता है, फिर माथा फोड़ी करने का प्रयास कर रहा है, और अंत में जब कुछ भी नहीं रहता तो क्या कहता है, हे भगवान मुझे मुझे क्या बोलते हैं जब आदमी बहुत बीमार होता, क्या बोलते हैं, हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। पहले भागा दौड़ी करता है, फिर माथा फोड़ी करता है, और उसके बाद में हाथा जोड़ी करता है कि हे भैया मुझे माफ कर। अरे भाई भगवान को सिर्फ इसी तरह के लोग पसंद है क्या, जो कहीं का नाम कहीं का बेकाम का उसको ले चलो, कभी काम के आदमी भी तो भगवान के पास में आओ। और जो व्यक्ति काम का बनकर भगवान के पास में आता है उसको कभी बेकाम का बनना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वह काम से आता है तो उसका अपने आप सारा कार्य हो जाता है। तो अभी आप जब जानते हैं कि श्री क्षेत्र कचरे जी से अर्थात प्रभु दर्शन के बाद श्री क्षेत्र बेला जी गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के दर्शनार्थ, और वहां पर आगामी 30 अप्रैल से 5 मई तक मानिस संपंचना प्रतिष्ठा महोत्सव और गजरथ महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उस हेतु गुरुदर्शन हेतु यहाँ से जाना हो रहा है। और जब रास्ते में संत चलते हैं तो अनायास प्रयास से बिना प्रयास से संतों का आगमन स्थानीय लोगों को मिल जाता है। और वैसे तो हम लोगों के यहाँ पर आना ही नहीं था, पाटन से तेंदुखड़ा होते हुए जा रहे थे रास्ता, क्योंकि जो हमारे साथ में सौभाग्यवती जी हैं ये आपके नगर मझोली जो आपके पास में ही है वहाँ का इनका जन्म है, वहाँ के लोग का प्रयास काफ़ी रहा, गुरुदेव का आदेश हुआ कि साधु जीवन है बार बार आते नहीं, तो वहाँ से निकलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कटंगी बीच में अनायासी पड़ गया, और कटंगी तो धर्मनगरी है, संतों का आभवन संत समुदाय त्यागी वृत्ति काफ़ी सारे बुंदेलखंड में होते ही हैं, तो निश्चित रूप से गुरुओं का आगमन निरंतर होता है। लेकिन गुरुओं के आगमन के बाद जो आगे का आ हटा देते हैं तो क्या बचता है, गमन। गुरुओं के आगमन के बाद जब उनका गमन होता है तो उस समय तुम्हारे अंदर जो अशुभ कर्म थे उनका कितना गमन हुआ, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये तो गुरु तो आज भी आए थे, कल भी आएंगे, और परसों भी आएंगे, और गुरु बन भी जाएंगे, लेकिन आपके अशुभ विचारों का, अशुभ सोच का, अशुभ कार्यों का कितना गमन आपके जीवन से हुआ है, गमन अर्थात आपके पास से चले गए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हुआ करता है। तो जीवन में जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, अपने आप को धर्म में बनाने का प्रयास करें, संस्कार में बनाने का प्रयास करें, और संतों की सेवा करके अपने जीवन को धन दान से परिपूर्ण करने का प्रयास करें। यही मंगल सुभावना गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। भाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।